डुप्लीकेशन यानी नकल। क्या है ये? नकल। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखेगा बंदर वैसा करेगा। आप यू की जगह पे हो, यहाँ पे बोला जाता है आईपीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये बिजनेस का मालिक कौन है? आपके नीचे आपकी टीम है, आपके ऊपर आपके अप्लाई। अप्लाई कोई भी हो सकता है, आपसे पहले दो मिनट पहले जुड़ गया वो भी आपका यस या नो, चाहे वो दारू पीता हो चाहे वो कुछ भी करता हो, आपका अप्लाई तो बन गया यस या नो। लेकिन ये आपका दिमाग है, ये आपका डिसीजन है कि आपने एक सही अपॉइंटमेंट चुनना है। क्योंकि इस बिजनेस में जब आप जुड़ते हैं, आपका हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, मांगते हैं क्या? आपका कुछ नहीं मांगते, ना कुछ रिसर्च होता है, सिर्फ यहाँ पे लोग ऐसे आके जुड़ जाते हैं तो हमको पता नहीं होता कौन कैसा है। तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन आपने एक सही अपलाइन को चुनने की जरूरत है। जो आपका अपलाइन है, आपसे पहले जुड़ा है, जो सिस्टम में नहीं है, वो आपका अपलाइन नहीं है। वो आपका अपलाइन बनने का लायक भी नहीं। अगर लायक होता तो सिस्टम में होता। यस या नो? जो सिस्टम में है, जो एक्टिविटी कर रहा है, जो आपको प्लान और ट्रेनिंग में नजर आ रहा है, जो हर मीटिंग्स में हिस्सा ले रहा है, वो है आपका अपलाइन, वो है आपका एक्टिव अपलाइन, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, जिससे बात करने पर आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, वो है आपका अपलाइन। ऐसे अपलाइन को चुनना है। क्या आप चुनने के लिए तैयार है? बहुत सारे लोग गलत उसमें पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग सोचते नहीं मेरा कोई नहीं अपलाइन, मैं खुद अपने दिमाग से काम करूंगा, मैं तो शेर क्या हूं? क्या हूं? और शेर का क्या हाल होता है जानना चाहेंगे? एक बार जंगल में एक शेर एक गाय के पीछे पड़ जाता है और पड़ने के बाद में वो गाय दौड़ रही होती है, शेर उसके पीछे पीछे, दलदल में दोनों घुस जाते हैं, दलदल में दोनों घुस जाते हैं। और घुसने के बाद में अभी गाय भी फंस गया, शेर भी पीछे फंस गया। थोड़ी देर बाद गाय बोलता है, शेर भाई हाँ बोल क्या हुआ? तो गाय बोलता है, आपका कोई मालिक है क्या? क्या बोलता है? आपका कोई मालिक है? बोलता मैं शेर हूँ। शेर का कोई मालिक नहीं होता। मैं शेर हूँ, शेर का कोई मालिक, मैं खुद मालिक हूँ। तो गाय मुस्कुराती है और गाय बोलती तब तो अच्छा है, अभी थोड़ी देर बाद मेरा मालिक तो ढूंढते हुए आएगा, मेरे को तो लेके जाएगा। हाँ, आपका तो कोई मालिक नहीं, तू इधर ही मरेगा। ऐसे नो, थोड़ी देर बाद उसका मालिक उसको ढूंढते हुए आता है और गाय को उठा के लेके जाता है, लेकिन मैं तरह शेर का कोई मालिक है क्या? शेर तो खुद मालिक, उसको कौन लेके जाएगा? वो वहीं पे मर जाता है। तो इस बिजनेस में भी आपके पास में सही अपलाइन, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे तो दोस्तों कभी भी बड़ा नेटवर्क बनने वाला नहीं है। तो एक अपलाइन को चुनना है, एक गुरु बनाना है, उनके डायरेक्शन में उनकी मेंटरशिप में रह के काम करना है। क्योंकि बिजनेस किसका है? जब आप एक गुरु बनाएंगे, आपको भी कोई गुरु बनाएगा, आपसे कुछ कुछ से काम करेगा, तो नेटवर्क बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में वो नहीं होता जो आप बोलते हैं, इस बिजनेस में वो होता है जो आप करते हैं। तो आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी। आप मुझे बताइए आपको कैसी टीम चाहिए, दमदार टीम चाहिए या ढीली टीम चाहिए? तो पहले खुद दमदार बनना पड़ेगा। Yes, yes. आपको कैसी टीम चाहिए, जो प्लान दिखाता हो या नहीं दिखाता हो? तो पहले खुद प्लान दिखाना पड़ेगा। आपको कैसी टीम चाहिए, जो ट्रेनिंग में आती हो या नहीं आती हो? तो पहले खुद को ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आप जैसी अपनी टीम चाहते हैं खुद ऐसा बन जाइए, आपको देख के आपकी टीम भी ऐसा बन जाएगी। तो तैयार है? दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? नकल करना। अपने एक्टिव अपलाइन को देखो, सक्सेसफुल अपलाइन को देखो, वो कैसे बोलता है, कैसे प्लान दिखाता है, कैसे काम करता है, उसकी नकल करना शुरू कर दो। आपके दोस्तों सफलता कदम चूमेंगे। तैयार है? नेक्स्ट प्लीज।